मैं जागूं तू सो। अरे अभी जब तुझे कपड़े नहीं बदले क्या? नहीं, क्या है कि मैं सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊं सपने में। अपनी क्या आंख में पकता रहता है, पागल कर क्या? अब पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। चल चल लेट जाओ सो जा। चल चल सोता हूँ ना, लेट जाओ सो जा। चल डांटते क्या तुम? सोजा सोजा, मैं रात को उठ कर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरह देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या कर रहे आप, जाइए जाइए, पिताजी आ जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं आने वाले, मैंने उनकी दूध में है ना घोड़ों को सुलाने वाली गोली मिला दी है। अब वो रात भर खराटे मार मार के मोहल्ले को बर्बाद करते रहेंगे और उन दोनों जिंदगी पहली मरते आबाद होंगे। सत्यानाश हो, अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाएं? मटका ऊपर अटक रहा है, तेरा हाथ लगा के मटका उतार देने। तो क्या चक्रम है बदमाश कहीं का तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है। अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएंगे? तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूं मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। ठीक है तू जमा, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो? अरे कमबख्त आला, इतनी जोर से क्यों चीखा तू? अरे ये देखो मेरे अंगूठे का खिंचड़ा बना दिया, अंगूठे पे स्टूल रख दिया, मैं स्टूल पे खुद खड़े हो गए। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो उस पर वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो, मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाशपिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घड़ों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता, इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। रोटी कौन खाता है, मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है तू, अंदर जा, और अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर के भाई बनकर रहना है ना तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तीन मरतबा करना पड़ेगा? अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने हुए, उनके ससुर कितना इज्जत देते, अपनी गद्दी पे बैठाते, आप गद्दी बैठाना एकदम गधा बना के मेरे से काम कराते हैं। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा सारा दिन ऑफिस में काम देते हैं। हाँ, मगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। बताओ गधे से छूटे तो भैंस में अटके। अरे अजी बेटा, अजी सुनती हो, बाहर आकर देखो कौन आया है। बड़े घर का दामाद गरीबों की कुटिया में आया है। गरीब की नहीं, कंजूस की कुटिया में। बेटा कुछ लाए हो? हाँ मुझे लाए ना। चुप, मैं अच्छा नहीं। चुप। अरे अनिल बेटा कैसे हो, बहू कैसी है? सब ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद। जीते रहो। कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैं? हाँ क्यों? कुछ जरूरी काम है, भूलना नहीं। चल। अच्छा मम्मी। बेटा कुछ जलपान करके तो जाओ, ऐसी किसी जा रहे हो? आज बहुत देर हो गई, फिर कभी। अच्छा जलपान करके जा। ये खुद नहीं करते दूसरों कहाँ से करेंगे, है कि नहीं? आया तू 25 साल पहले? अब मेरा मतलब है कि 15 मिनट पहले ही आया मैं। कोई खास काम? खास काम यह बापू, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आप मुझे 5। चले 5 रुपए ले। अरे 1000 तो बोलने दो, 5000। अरे 5 का नोट तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता है। तू क्या मुझे कोई टकसाल समझता है? कब तक रुपए की बात करता है? बहुत बदमाश हो गया। बापू आपने मुझे पैदा किया ना? हाँ। तो पालना तो पड़ेगा ही ना। बदमाश। वो आपकी नसवाद मेरी नाक में चली गई ना। आशी!
ये किसने खाई छींक दूसरी? बाबू मैंने खाई। नहीं ना। अच्छी। ये छींक किसने खाई? आपने खाई। नहीं नहीं आपने खाई। ये सुन रहा था मैं, कैसे खा सकता हूं? आपने खाई? नहीं आपने खाई। अच्छी। न मैंने खाई न तूने खाई, किसी और ने खाई। जाओ जाओ। अरे डेढ़ा का। अरे वाह पिताजी, कितना खूबसूरत हार है, कोई गिरवी रख गया क्या? नहीं नहीं, वो मिट्टी के भाव बेच गया, मैंने 20,000 में खरीद लिया। क्या रहा है, मैं इसे पहन लूं? अरे नहीं, इतना कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी में रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे के गले से ज्यादा है क्या? हो तुम समझती क्यों नहीं हो? ठीक है ठीक है, शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। हाँ, लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा। वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्यों पिताजी क्यों? अरे आ जाओ ना, दोस्त प्यारे के बच्चे को मैं देख लूंगा उसे। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे 1,000 साल की उम्र है? नहीं 1,000 साल की नहीं, सिर्फ 5 मिनट की। 5 मिनट? इसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल 5 बोरियां बिस्तर अपना, निकल यहाँ से। क्यों? अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। कोई बात बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोरी की तुझे धक्के मार मार कर कुएं में फेंकूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले, पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे टकरा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊँगा? तो जाते क्यों नहीं? तुम एक बार मुझे पकड़ के तो देखो। अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गवा कर आपने 1,000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1,000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1,000 रुपए की क्या बात है? तुम्हारा छोड़ो। ये मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था, मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई, मुझे 1,000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या आदर्श करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ, मगर वो पाप मैं आपके कहने पर करने जा रहा हूँ। मैं जो करूँगा पाप, उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था। आओ मेरे कमाऊ दामाद, 1,000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, तेरे गले लग जा। वैसे भी कितना दम होता है, नहीं मरते हुए आदमी को 1,000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। तकबतिया जी। मालिक। ये मालिक, मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे हैं? ओ जी, वो इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं नहीं, पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी। मैनेजर को सेठ की जगह थू थू थू। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है चलेगा, लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा, ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है, तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है, रख लिया। आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बाकी नहीं, जा तैयारी कर। जी जी जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं नहीं, वो वाला नोट नहीं, लिखना ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ हिसाब। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आया हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं मैं आराम कर, ये गड़बड़।